दोस्तों महेश्वरी रसोई में आज बनने वाली है विंटर स्पेशल, एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। क्योंकि फ्रेंड्स रेसिपी हम बनाएंगे दूध के साथ, और दूध जो होता है वो टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। और आप विंटर हो या समर हो, दूध तो हमेशा ही पीते हैं, लेकिन जब आप विंटर में दूध पीने वाले हो ना, उसमें ये कुछ स्पेशल चीज़ें डाल दें, आपकी किचन में आराम से मिल जाएंगी, और आपका जो कॉमन सा दूध होगा ना, वो 100 टाइम और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दूध की ये बहुत ही शानदार रेसिपी निसास्ता बनाने के लिए हमें जरूरत होगी दूध की। मैंने 1 लीटर जितना दूध लिया है, और इतने दूध से आप 4 जनों के लिए इसे बना सकते हैं। और इसके साथ ही हमें जरूरत होगी बादाम की, लेकिन इसमें बादाम आप ऐसे ही नहीं डालेंगे कि बादाम लिए और डाल दिए, इसमें एक खास रेशियो होता है, तभी रेसिपी परफेक्ट बनती है और उतनी ज़्यादा हेल्दी बनती है। तो बस एक मेंबर के हिसाब से आप 7 बादाम लीजिए, और मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने बिल्कुल गिनकर 28 बादाम ले लिए हैं। लेकिन आपको बादाम भी ऐसे ही नहीं डालने कि पैकेट से उठाया और डाल दिए। बादामों को आप पूरी रात के लिए भिगो दीजिए, उसके बाद आप इसे छील कर तैयार कर लें। फ्रेंड्स इसमें आपको कच्चे बादाम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से भीगा हुआ बादाम हो तभी ये जो फ़ायदा मिलेगा आपको पूरी तरीके से मिलेगा। और ये लीजिए मैंने 28 बादाम को छील लिया है, क्योंकि मैं इसे 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। और इसमें एक और स्पेशल चीज़ जाएगी, और वो है काली मिर्च। अगर हम इसमें 1 बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो 2 काली मिर्च, और मैंने 28 बादाम लिए हैं तो उसका जस्ट डबल मैंने काली मिर्च लिया है। और उसके साथ ही एक अच्छी खुशबू के लिए मैंने इसमें ले लिए हैं हरी इलायची, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ ही इलायची भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना दूध डाल देंगे, और इन सबको बहुत बारीक पीस लेंगे। वैसे तो नॉर्मली इसे जो ट्रेडिशनल बनाया जाता है उसे सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाता है, लेकिन अब तो एकदम ज़माना चेंज हो चुका है, तो मैंने इसे मिक्सी में एकदम बारीक पीस लिया है। और अब आ रही है इसमें एक बढ़िया सा तड़का देने की, तो उसके लिए गैस ऑन करी, और इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून जितना देसी घी। 1% हम इसमें 1 टीस्पून जितने देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 टीस्पून डाला है, यानी 4 लोगों के लिए एकदम सही है। और उसमें डाल दिया ये अच्छे से पिसा हुआ बादाम, और इसे हम करीब 3 से 4 मिनट तक एकदम स्लो गैस पर बढ़िया सा भूनेंगे, जिससे बादाम बढ़िया सा भुन जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और साथ ही हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स मेरे यहाँ तो इसे निसास्ता कहा जाता है, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट करके आप ये लोग बात मुझे ज़रूर बताएं। और हमारे यहाँ ये नॉर्मली रोज़ाना ही बनता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, इसे सब कोई ले सकता है। और वो मिक्सी का जार धो लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया, क्योंकि फ्रेंड्स बादाम है ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो जो हमने 1 लीटर दूध लिया था वो भी डाल दिया। एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ जाएगी, और वो है दालचीनी, वो भी डाल दी। और इसके बाद बारी है फ्रेंड्स इसे बहुत ही अच्छे से उबालने की। इसे आपको गाढ़ा नहीं करना है, बस अच्छे से उबाल लेना है, और सर्दियों का दिन चल रहा है तो इसलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सैफ्रॉन, जिसे मैंने थोड़े से दूध के साथ भिगो दिया है। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, लुक भी बढ़ जाएगा, और केसर में कितने फ़ायदे होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स केसर, बादाम, दालचीनी सबकी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके साथ ही हम इसमें एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना ओट्स, जिससे हमारे ये जो दूध है ना बहुत ही रिच टेस्ट का बनकर तैयार होगा। इसे आप हल्का सा गर्म कीजिए और मिक्सी में चलाकर इसका एकदम इस तरीके से फाइन पाउडर बनाइए, और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और आप देखिए जो पाउडर तैयार हुआ है पूरी तरीके से वाइट है, और इसे थोड़े से दूध में घोल के बस इसमें डाल दीजिए। ये ओट्स का जो हमने पाउडर डाला है ना, इसकी वजह से हमारा जो दूध है थोड़ा सा रिच हो जाएगा, काफ़ी गाढ़ा सा हो जाएगा, जिससे इसका जो टेक्सचर है एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे हम पीते हैं ना वो जो बोतल में दूध आता है काफ़ी कुछ, उससे इसका टेस्ट और टेक्सचर मिलने लगेगा। ओट्स का आटा डालने के बाद में मैंने इसे करीब 3 से 4 मिनट तक उबाला, और उसके बाद हमने ये जो दालचीनी डाली थी इसे हटा देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही बढ़िया अरोमा दूध में हो चुका है, और इसमें जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी दूध में आ चुकी हैं। तो ये देखिए अब दूध का टेक्सचर देखिए, चम्मच पे हल्का हल्का सा रुकने लगा है, क्योंकि हमने इसे करीब 6 मिनट पकाया है, और बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें ओट्स का आटा डाला है, जिससे इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है। तो अब आ रही है फ्रेंड्स इसे मीठा करने की।
मीठे करने के लिए आप चाहें तो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी तरह से इसमें डाल सकते हैं 4 टीस्पून जितना जैगरी यानी कि गुड़, और जिसे मैंने कद्दूकस करके तैयार किया है, क्योंकि अगर साबुती डालेंगे तो उसे घुलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और गुड़ डालने के बाद में 1 से 1.5 मिनट तक और पकाया, और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया हमारा दूध तैयार हो गया है। फ्रेंड्स इस दूध में आपको सर्दियों के लिए 1 से 1 बढ़िया प्रॉपर्टीज मिलेगी, और इसका टेस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें डली हैं वो बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे सर्व कर लेते हैं, और सर्व करने के लिए मैंने इस तरीके से 2 गिलास ले लिए हैं और उन्हें फिल कर दिया। फ्रेंड बस इस दूध को आप बहुत ज़्यादा ना पिए, क्योंकि हमने इसमें बादाम डाले हैं, घी डाला है, तो ये टेस्टी भी है परंतु थोड़ा सा भारी होता है। तो आप इसे मॉर्निंग के समय लें, रात के समय इस दूध को आप ना लें। गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम डाल दिए, और साथ ही डाल देंगे थोड़े से हरे पिस्ते, जिससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और लुक भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू।